गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे ट्रिपल पंच। जैसे हमने सिंगल पंच एंड डबल पंच किया है, आज हम सीखेंगे ट्रिपल पंच जो तीन टारगेट पे करना है। सिंगल पंच एंड डबल पंच हमने एक ही टारगेट पे किया है, दैट इज R16। ट्रिपल पंच जो है हम करेंगे फेस, स्टमक, सेंटर। तो ट्रिपल पंच सीखने से पहले हम सिंगल पंच एंड डबल पंच की रिवीजन करेंगे एंड देन ट्रिपल पंच करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, फिर वार्म अप एक्सरसाइज करनी है एंड देन स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है। स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम पंच कर रहे हैं इसलिए पुशअप्स ही सबसे बेस्ट है, पुलअप्स है, पुशअप्स है, तो हम पुशअप्स देखेंगे। आज के पुशअप्स के लिए आपको नैपकिन की जरूरत है। नैपकिन को इस तरह से फोल्ड करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इसकी, इसे स्ट्रेट खड़े ऐसे ऐसे रखना है। ओके, ये एक साइड रखने के बाद आपको दूसरी साइड बैलेंस करना है इस तरह से, फिर यहां पे आपको पुशअप करना है, फिर एक हाथ यहां 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 रख के हैंकी के दूसरी साइड आना है, फिर यहां पुशअप करना है, फिर हैंकी के पहली साइड जाना है, इधर पुशअप करना है। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम पुशअप्स करने हैं, आप जितने पुशअप्स कर सकते हो उतने इस तरह से। तो ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज में पुशअप्स हो गए। अभी हम करेंगे सिंगल पंच का रिवीजन, 10 काउंट सिर्फ करते हैं, फिर डबल पंच का रिवीजन करेंगे, देन ट्रिपल पंच सीखेंगे। इस एंगल में देखते हैं सिंगल पंच, और स्टांस में डीप सांस लेना है, एक खींच के दूसरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी। अब करेंगे डबल पंच का रिवीजन दूसरे एंगल से देख के। देखिए ये पंच खींच के शूट होना चाहिए एक ही टारगेट पे, राइट एंड फॉरवर्ड। डबल पंच करेंगे, वन काउंट में टू पंच करना है, बड़ा पॉज लेना है, टू इस तरह से, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ट्वेल्व। तो ये था सिंगल पंच एंड डबल पंच। अभी हम करेंगे ट्रिपल पंच। पहले सामने की तरफ से पहला पंच करना है आपको फेस के ऊपर, अबाउ फेस लेवल, ये फर्स्ट पंच। सेकेंड पंच है स्टमक लेवल एंड थर्ड पंच है सेंटर लेवल। तो ये ट्रिपल पंच एक काउंट में करने हैं इसलिए ट्रिपल पंच है, लेकिन पंच करते टाइम सेंटर, स्टमक, फेस, फेस, स्टमक, सेंटर इस तरह से करने हैं। ये तीनों पंच एक लाइन में आपके बॉडी के जैसे दो पार्ट सेंटर से हो जाएंगे उसी लाइन में आपको करना है। पहला अबाउव हेड फर्स्ट फेस पंच, दूसरा स्टमक लेवल एंड तीसरा लो लेवल या सेंटर लेवल। तो ये एक ही लाइन में पंच होनी चाहिए, सेंटर, स्टमक एंड फेस, ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर। तो इस तरह से ये ट्रिपल पंच करना है। हम 10 काउंट करेंगे, पहला फेस लेवल 1, दूसरा स्टमक लेवल 2 एंड तीसरा सेंटर लेवल 3। ये ट्रिपल पंच है, 1 काउंट में तीनों पंच करने हैं, अप टू डाउन एंड देन डाउन टू अप सेकेंड काउंट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12।
तो इस तरह से हमने सीखे ट्रिपल पंच। हम दूसरे एंगल से करके देखते हैं ट्रिपल पंच। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये था ट्रिपल पंच। इसी तरीके से आप मैक्सिमम रिवीजन करिए, क्योंकि पंच कराटे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किक है, किक एंड पंच का कॉम्बिनेशन करके ही बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं। जितनी ज्यादा रिपीटेशंस आप इसकी करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके मूवमेंट्स जो है वो शार्प हो जाएंगे, फ्लुएंटनेस आ जाएगा उसमें, और आप कथा या टेक्निक्स बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है।